पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिरचन पटेल पथ पटना में कई कार्यालय पॉलिटिकल पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी का भी है, राष्ट्रीय जनता दल का है, जनता दल यू का भी है। राष्ट्रीय जनता दल का आज सदस्यता अभियान की शुरुआत थी, नेता प्रतिपक्ष स्वयं पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज राजद कार्यालय में राजद के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद पहुंचे हुए थे। तेजस्वी यादव, आपको बता दें, सदस्यता अभियान की शुरुआत जहां राजद कार्यालय के अंदर कर रहे थे, वहीं तेजस्वी यादव के नेताओं का चलान कार्यालय के बाहर कट रहा था। जी हां, दरअसल पूरा मामला यह है कि जिस वक्त राजद कार्यालय में ये सदस्यता अभियान चल रहा था, राजद के कार्यकर्ता एमएलसी कार्यालय के अंदर मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर उनकी गाड़ियां कार्यालय के बाहर थी और उनकी गाड़ियों का ट्रैफिक एसपी ने चलान काट दिया। जी हां, ट्रैफिक एसपी ने बताया कि जो गाड़ियां बाहर पार्क की हुई थी वो गलत तरीके से पार्किंग की गई थी, इस कारण उन गाड़ियों का चालान काटा गया है। जिसके बाद अब राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भड़कते नजर आए हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, पहले आप वो सुने। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिरचन पटेल पथ पटना में कई कार्यालय पॉलिटिकल पार्टियों का है, भारतीय जनता पार्टी का भी है, राष्ट्रीय जनता दल का है, जनता दल यू का भी है। राष्ट्रीय जनता दल का आज सदस्यता अभियान की शुरुआत थी, नेता प्रतिपक्ष स्वयं पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, सभी सम्मानित विधायक भी पहुंचे थे, पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ता भी थे। गाड़ियां स्वाभाविक तौर पर बाहर जो हालात थे उसके हिसाब से लगी हुई थी, लेकिन स्वयं आकर करके भारतीय जनता पार्टी और एक अन्य मार्ग के इशारे पर सीधे तौर पर चालान काटा गया। ठीक है, नियम का पालन होनी चाहिए, मैं भी नियमों का सम्मान करता, लेकिन अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के पास सैकड़ों गाड़ी, जनता दल यू के पास सड़कों पर गाड़ी, क्या ट्रैफिक एसपी की नजर उधर नहीं गई? ए डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं, सत्ता की गुलामी नहीं? आप अगर ट्रैफिक रूलों का पालन करना चाहते हैं तो समानता के भाव होनी चाहिए। अगर सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए कार्यक्रमों के आप अगर अपना कार्यक्रम मानोगे, कार्यकर्ता का मानोगे कि पुलिस एक कार्यकर्ता है सत्ता प्रतिष्ठान का, तो मैं प्रतिदिन वीडियो जारी करूंगा उन तमाम गाड़ियों का जो गाड़ी वहां पर लगे रहते हैं और आप ट्रैफिक रूल का हवाला दे रहे हैं। तो कल से हमारे लोग वीडियो बना बना करके सेंड करेंगे। और आपने चालान काटी है, नियम का पालन करने के लिए कहा है, हम तो नियम का पालन करते हैं, हमारे लोग सभी नियम का पालन करेंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन पर चुप भी नहीं बैठेंगे। राजद कार्यालय में आज सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। तेजस्वी यादव अपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय के अंदर मौजूद थे और एमएलसी की जो गाड़ियां थी गलत तरीके से पार्किंग होने के वजह से उनका चालान काटा गया। ट्रैफिक एसपी ने चालान काटा है और उसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया था कि कोई भी आम हो या खास, अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होगा, गलत तरीके से पार्किंग होगी तो सबका चालान कटेगा। जिसके बाद आपने सुना शक्ति सिंह यादव भड़कते नजर आए, उन्होंने कहा कि ये भाजपा द्वारा सब करवाया जाता है, भाजपा और जेडीयू के कार्यालय भी वही हैं, उन कार्यालयों के बाहर भी तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की गाड़ी खड़ी होगी लेकिन उनका चालान कोई नहीं काटता है। और साथ ही साथ ट्रैफिक एसपी को सीधे तौर पर चैलेंज करते नजर आए हैं, ट्रैफिक पुलिस को चैलेंज करते नजर आए हैं शक्ति सिंह यादव, और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी गाड़ियां हमें भाजपा जदयू के कार्यालय के बाहर गलत तरीके से पार्किंग में नजर आएंगी उनका वीडियो बना के मैं लगातार जारी करता रहूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये सब कुछ जानबूझ कर किया गया है, केवल राजद के नेताओं की गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है, भाजपा और जदयू के कार्यालय के बाहर गलत तरीके से पार्किंग होती है उनकी गाड़ियों की, लेकिन कभी भी ट्रैफिक एसपी ने उनका चालान नहीं काटा है और राजद के नेताओं का
चालान काटने के लिए खुद ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान वहां मौजूद थे, तो मैं भी अब वीडियो बनाकर भेजना शुरू कर दूंगा। इस पूरे मामले को लेकर भड़कते नजर आ रहे हैं शक्ति सिंह यादव। जहां तेजस्वी यादव सदस्यता अभियान चला रहे थे कार्यालय के अंदर, वहीं कार्यालय के बाहर उनके नेताओं का चालान कट रहा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।